नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। महिला सेल डीएसपी निकिता सिंह द्वारा बताया गया है कि स्कूल के बच्चों को निडर निर्भीक होकर रहना चाहिए एवं अवांछित कॉल मैसेज या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं घटित होती हैं तो सहन ना करते हुए तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर कार्यवाही के लिए विशेष थानों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बच्चों को करियर गाइडेंस देकर खूब मेहनत करके पढ़ाई करने की प्रेरणा दी है। साइबर एक्सपर्ट्स सब इंस्पेक्टर रितेश खत्री ने बताया कि साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता ही उपाय है एवं साइबर स्पेस में कार्यवाही करते वक्त सजग रहें। मोबाइल बैंकिंग का उपयोग सावधानी से करें, किसी अज्ञात व्यक्ति को ओटीपी ना बताएं एवं फर्जी कॉल से बचें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को 2-स्टेप वेरिफिकेशन कर सुरक्षित रखें। यातायात प्रभारी सूबेदार रजनी भार्गव ने यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाहन चालक तथा सवार को नियमित रूप से यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने शासन द्वारा जिले में चल रही गुड सैमरिटन योजना के बारे में बताया, जिसमें इसे घायल की मदद करने पर 5,000 रुपए के पारितोषिक का प्रावधान है। बिना लाइसेंस वाहन ना चलाएं, नाबालिग बच्चे गाड़ी ना चलाएं।